तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे इस स्कूटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में। हम सिर्फ गाड़ी को बेचना नहीं चाहते, हम कस्टमर को समझना चाहते हैं इसको चाहिए क्या है। ये अपना सबसे लोएस्ट कॉस्ट का अपना गाड़ी है, इसको हम यहाँ से खोल के अपना लिथियम बैटरी को कैरी कर सकते हैं, अपना छोटा पावर बैंक इसके अंदर रख के ड्राइव कर सकते हैं। पावर बैंक की फैसिलिटी भी अपने पास है जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉग्स। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में एक स्विमिंग पूल का व्लॉग। वहाँ पे हाँ, लोकेशन भी आपको बता दूँ, झज्जर लोकेशन होने वाली है। और व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि वहाँ पे ना आपको जो फैसिलिटी मिलने वाली है, जो प्राइज मिलने वाला है ना, बहुत ही बेहतरीन प्राइज मिलने वाला है। जिन भाइयों को स्विमिंग नहीं आती, हमारी बात थी 100 रुपए में शायद, हाँ 100 रुपए एंट्री फीस है, एंट्री फीस। और जिन भाइयों को स्विमिंग नहीं आती वो स्विमिंग सीख सकते हैं सिर्फ 10 दिन के अंदर। लेकिन व्लॉग से पहले अभी मेरे को एक चीज दिखी है, हम हैं पानीपत से, ओकोयामा। उससे पहले अभी हम हैं, मैं आपको बता दूं, गोहाना के अंदर है, पानीपत से जा रहे थे झज्जर, और अभी हमें एक बोर्ड दिखा है ओकोयामा ट्रस्ट पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल हरियाणा मोटर्स। तो हमारे कुछ भाई नाराज थे ना, जो कह रहे थे कि हरियाणा में कभी आपने वीडियो शूट नहीं किया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। बहुत सारे भाई जाते हैं दिल्ली, बेसिकली दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनके व्लॉग शूट करते हैं। तो आज उन भाइयों के लिए ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। पिछले स्विमिंग पूल का, हाँ एक बार पीछे लेता हूँ गाड़ी को, स्विमिंग पूल का अगले व्लॉग में मिलेगा आपको। आज पहले एक बार यहाँ का ट्राई करते हैं, जो हमारे भाई नाराज है ना, आज उनके लिए लेके आते हैं हरियाणा में इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टॉक। तो अभी एंट्री हमने कर ली है यहाँ पे और स्टॉक भी देख रहे हैं, स्टॉक में भी आपको कमी नहीं रहने वाली है, कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। तो भाई से एक बार बात कर लेते हैं, क्या चल भाई? बढ़िया सर, आप बताइए। सर आपका? योगेश। योगेश नाम है। अच्छा, ये लोकेशन गोहाना की पड़ती है भाई जी? गोहाना। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो डिटेल्स के लिए एक बार नाम बताया सर आपने, योगेश। योगेश जी से बात करेंगे, क्या डिटेल्स होने वाली है, क्या वेरिएंट है, क्या प्राइस रेंज यहाँ की रहेंगी और क्या क्या फैसिलिटी अलग से मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रही थी कि हरियाणा में भी शूट किया जाए। तो आज उन सभी भाइयों के लिए एक बेस्ट ऑफर मिलने वाला है, तो माइक में दे देता हूँ भाई को और वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम यहाँ से अभी जा ही रहे थे, व्लॉग हमारा स्पेशल था पूल का, लेकिन अब यहाँ बीच रास्ते में हमें जो है हरियाणा वाले भाइयों के लिए स्पेशली हम ये व्लॉग बना रहे हैं इलेक्ट्रिक को लेकर। तो आपका नाम क्या सर? योगेश हुड्डा सर। योगेश जी से हम बात करेंगे यहाँ पे, जो हमारे मॉडल्स हैं उनके बारे में बताएंगे और भी कुछ बातें करेंगे। सर आपके पास 10-15 मिनट का टाइम लेंगे आपका? बिल्कुल सर। तो एक बार दिखाइए अपने यहाँ के बारे में, बताइए कि ओकोयामा जी कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस किस मॉडल्स में? मैं पिछले एक साल से इसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले बैटरी अपना सैंपल था, असेंबलिंग का काम था, उसके बाद देन अपना स्कूटर मार्केट में लॉन्च किया हमने। ठीक है जी। अच्छा, बैटरी का अपना खुद का असेंबली का जी था। बैटरी का हमारा, इवन हमारा इसी ओकोयामा ब्रांड का हमारा, अच्छा ओकोयामा ब्रांड हमारा स्कूटर है और सुमाटो टैग हमारा लिथियम बैटरी है। बैटरी का भी है जी। ओके, तो अपने पास सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही हैं जी? इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ओके, तो ये मैं मॉडल्स देख रहा हूँ एक बार, योगेश जी बताए आपने जी। तो एक बार मॉडल्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से मॉडल्स अपने पास हैं, क्योंकि हम स्पेशली ना आपको बताऊं मैं योगेश जी कि दिल्ली में शूट करते हैं जी। लेकिन कमेंट आते हैं कि हमारे हरियाणा से भी जो है ना डीलरशिप के लिए भाई दूर जाते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर स्टेट में जाएं, पास में ही नियरेस्ट में ही जो है ना उनको ये फैसिलिटी मिले जी। तो अभी की लोकेशन हमारी क्या है? ये अपनी लोकेशन है गोहाना, जो सोनीपत के अंदर आता है, और मेन लोकेशन अगर हम बात करें तो अपने पास में नियर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, इवन कोर्ट और तहसील भी साथ में ही है। साथ में ही है जी। चलिए, तो फिर उनके लिए फ़ायदा है जो इस लोकेशन के आसपास भी आते हैं, डीलरशिप के लिए फ़ायदा है। मॉडल्स बताएं एक बार, कौन कौन से मॉडल्स अपने पास हैं? अपने पास 3 मॉडल्स अवेलेबल है सर। अपने पास सबसे पहले स्पोर्ट्स वेस्पा, अच्छा। टाइप में जो अपना ओकोयामा स्पोर्ट्स, देन है अपना ओकोयामा स्पोर्ट्स सेकंड, ओके, और थर्ड अपना ओकोयामा ट्रस्ट 2X। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं ये जो आप मॉडल, वैसे भी मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने आपको पहले ही बताया, हर जगह सबसे ज़्यादा जो सेलिंग होती है इस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की होती है, स्पोर्ट्स वेरिएंट में है ये ओकोयामा का। आप यहाँ पे स्टिकर देख रहे हैं, सेकेंड मॉडल जो है योगेश जी ने बताया ओकोयामा का, ये कौन सा है? ट्रस्ट 2X जी। ओके, एंड थर्ड मॉडल सर अपना ओकोयामा स्पोर्ट्स 2। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम कवर करते हैं जो हमारे पास पहला मॉडल है स्पोर्ट्स वाला। सबसे पहले कवर करेंगे अपना स्पोर्ट्स 2X मॉडल, ओके, जो कि अपना लेड बैटरी में है,
48 वोल्ट में 4 बैटरी के साथ ये अपना रहेगा, ये अपना सबसे लोएस्ट कॉस्ट का अपना गाड़ी है। अच्छा जी, तो ये लेड एसिड में है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी कि लिथियम मैं लगवाना चाहता हूँ तो वो भी जी वो भी अवेलेबल है अपने पास। ये अगर आप इसको लिथियम में रखना चाहेंगे तो लिथियम में भी रख सकते हैं, लिथियम। लेकिन फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग के साथ साथ लिथियम में हम माइलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा। माइलेज हम 50 से लेके 150 तक ले जा सकते हैं लिथियम आयन के अंदर। तो बात वही होगी, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा आप रखेंगे तो आपकी जो माइलेज है वो 150 अप टू 150 तक इंक्रीज हो जाएगी। जी, बिल्कुल। मैं पास से आपको दिखाता हूँ जो ये मॉडल है, अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट में इसकी रेड एंड ब्लैक ड्यूल टोन में आपको ये जी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विंडो स्क्रीन पे ओकोयामा का स्टीकर है। और क्या खास है इसमें योगेश जी? सर फ्रंट अपना डिस्क ब्रेक रहेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे अपना ड्रम ब्रेक रहेगा, ठीक है। सेकंड अपना इसमें बूट स्पेस अपने को बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, आप देखना चाहेंगे तो अपना बूट स्पेस रहेगा। ये अपना चार्जर है क्या? ये अपना चार्जर रहेगा। अच्छा। और ये अपने मिरर रहेंगे। अच्छा ओके जी। उसके बाद ये अपना इसका हम अगर इसमें लिथियम आयन बैटरी रखते हैं तो इसको हम यहाँ से खोल के अपना लिथियम बैटरी को कैरी कर सकते हैं। तो ये डिटैचेबल बैटरी है? डिटैचेबल बैटरी सर। ओके, तो अगर वैसे अगर एक्स्ट्रा बैटरी किसी को लगवानी हो तो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा? जी, एक्स्ट्रा बैटरी ऐड ऑन हो जाएगा, या हम अपना अपना छोटा पावर बैंक इसके अंदर रख के ड्राइव कर सकते हैं। पावर बैंक की फैसिलिटी भी अपने पास है? जी, अभी प्रेजेंट है? प्रेजेंट नहीं है सर, वो अवेलेबल करा देंगे। अच्छा, पावर बैंक का क्या बैकअप कितना रहता है फिर? पावर बैंक का बैकअप रहेगा हमारा 10-15 किलोमीटर। अच्छा, ये अच्छी बात है भाई कि इमरजेंसी में ना ये काम आते हैं, छोटी छोटी चीज है ना, 10-15 किलोमीटर तक जो है ना जी पीस ऑफ माइंड आप कह सकते हैं पावर बैंक को लेकर। और इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बाकी और मैं पास से दिखाना चाहूँगा अपने जो फीचर्स हैं बाकी। अपने इसमें सर डिजिटल मीटर रहेगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं यहाँ पे, एज यूजुअल दिखाते भी आपको, बैटरी इंडिकेशन का हो गया, स्पीड का, टोटल किलोमीटर ड्रिवन जी, ये डिजिटल में आपको दिया गया यहाँ पे। अपना इंडिकेटर का रहेगा। अपने इसमें दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हॉर्न रहेंगे। ओके जी, यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, अपना रिवर्स का ऑप्शन है और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन ड्राइव के लिए सर। अच्छा, यहाँ स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, 3 स्पीड गियर में है जी। ओके, तो बाकी यहाँ पे भी आप छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं यहाँ पे, फोन वोन वॉलेट वॉलेट यहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें, हम इसमें मोबाइल वगैरह अपना चार्ज कर सकते हैं। ओके, सेकंड अपना इसमें रिमोट कीलेस एंट्री, कीलेस है, इससे हम अपना गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ओके, लॉक कर सकते हैं। ओके, तो सेफ्टी भी है। और कितनी चाबियां इसमें? इसमें दो चाबियां रहेंगी सर, दो रिमोट रहेंगे, दो चाबी दो रिमोट। ओके योगेश जी, अगर बात करें इसकी बॉडी की क्वालिटी की तो क्वालिटी कैसी है? इसकी क्वालिटी सर बहुत ही अच्छी है, ये अनब्रेकेबल बॉडी है अपनी स्कूटर की। और अपना जो डिस्क ब्रेक है उसके उसको अगर हम देखना चाहेंगे तो अपना ये सारा अलॉय में रहेगा। क्वालिटी अच्छी है इसकी भी, क्वालिटी द बेटर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, कलर की बात करें, ऐसा तो नहीं कलर फेड हो जाएगा कुछ 6 महीने? कलर फेड नहीं होगा सर, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं अपनी 4-5 साल की कि कलर फेड नहीं होगा। ओके जी, तो फिलहाल अभी इस स्कूटर में कौन सी बैटरी लगा के दे रहे हैं? अभी सर इसमें हम दोनों बैटरी रख सकते हैं, लिथियम आयन भी और लेड एसिड भी जी। ओके, और अगर उसकी बात करें, पावर की बात करें, मोटर की बात करें, मोटर अपनी सर इसमें 250 वाट की मोटर रहेगी जो कि अपनी 30 की स्पीड आराम से पकड़ लेगी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो अपनी स्पीड होती है जी। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो स्पीड अगर इंक्रीज करवानी है तो फिर उस हिसाब से वो फिर उस हिसाब से सर हम अपना बैटरी को बैटरी का सेटअप बढ़ा करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते इंक्रीज करवा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी नियम हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। अपने इस स्पीड में मोटर व्हीकल के जितने भी एक्ट हैं वो हमें फॉलो नहीं करने हैं। वैसे हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि हेलमेट पहने, हेलमेट जरूर पहने जी, चाहे लो स्पीड हो हाई स्पीड हो हेलमेट जरूर पहने अपनी सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा सर। अच्छा योगेश जी, एक बात पूछना चाहूँगा सेफ्टी को लेकर कि आग आजकल ना बहुत केसेस देखे गए हैं कि स्कूटर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ना आग लग जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ आपने प्लानिंग की है या क्या सेफ्टी को लेकर? आपने सर आग का टॉपिक जैसे ही छेड़ा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी बैटरी में और अपनी गाड़ी में आग तभी लगती है जो ज़्यादा हिलती डुलती है या फिर कोई कनेक्टर लूज रहता है।
तो उसके लिए हमने बैटरी को लॉक किया हुआ है ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना। ओके। और अपने कनेक्टर को जो अपने कंट्रोलर से निकलते हैं वो बहुत ही कम, अपने जो वायर से निकले हुए हैं सिर्फ वही कनेक्टर हैं, अपने कंट्रोलर से कोई भी कनेक्टर नहीं निकला हुआ है, सिर्फ हम अपने मेन वायर से कंट्रोलर पे जाके कनेक्ट करेंगे और उन वो सभी वाटरप्रूफ हैं जिनसे आग लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा केसेस देखे आते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले तो लेते हैं लेकिन कई जगह केसेस आए हैं कि भाई आग लग चुकी है, तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है ये। इसको देखते हुए ना आजकल सेफ्टी को देखते हुए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आजकल अब सारी कंपनियां धीरे धीरे इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है, ऐसे कि योगेश जी बता रहे हैं कि मिनिमाइज़ किया है इन्होंने वायरिंग पे जी, काफ़ी ज़्यादा वायरिंग जो है कम कर दिए हैं, कनेक्शन जो है काफ़ी कम कर दिए हैं, वाटरप्रूफ बता रहे हो आप, वाटरप्रूफ जी, और जो कंट्रोलर है आप वो भी हीट एब्जॉर्ब जी, हीट एब्जॉर्ब करता हो, उसकी हमने सेफ ऐसे बनाई हुई है। ओके, चलिए इस मॉडल का अगर प्राइस की बात करें तो क्या स्टार्टिंग प्राइस क्या है इसका? इस मॉडल का स्टार्टिंग प्राइस है 49,500। 49,500 में आपको ना डिस्क ब्रेक के साथ एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलती है। तो ये अपना डीलर प्राइस है या रिटेल प्राइस है? रिटेल प्राइस है सर। रिटेल प्राइस है। अगर किसी को इंटरेस्टेड हो कोई डीलरशिप के लिए, जैसे कि आपको बताया कि आज हरियाणा में आए हुए हैं शूट करने के लिए, तो हमारे जो नियरेस्ट में आसपास के जो भाई होंगे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए डीलरशिप में कुछ ऑफर्स मिलेगा? उनको स्पेशल ऑफर रहेगा, वो हमसे डायरेक्टली या तो आके मिल सकते हैं हमारी जगह पे लोकेशन पे, या फिर हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ भाई जो लोकेशन है यहाँ पे आए डीलरशिप के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए और भी पैसे 49,500 से और भी कम हो जाएंगे जी। और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? लोन फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी रहेगी सर इसकी, अपनी बजाज फाइनेंस से लोन रहेगा और अपना जस्ट डायल से रहेगा और थर्ड अपना रहेगा क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है? क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है। ओके, तो बाकी और कौन सा मॉडल है? या कलर ऑप्शन की बात करें योगी जी, इसमें अपने पास 4 कलर अवेलेबल हैं, अपना रेड ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, प्योर ब्लैक और अपने पास। अच्छा, ये प्योर ब्लैक भी है साथ में, ठीक है। तो कलर तो काफी ऐसे जहां तक मैं देख रहा हूँ डुअल टोन में कलर हो चाहे वो सिंगल कलर में हो काफी अच्छे लग रहे हैं कलर वैसे, और देखने में भी काफी मतलब बल्कि मॉडल सा है, काफी अच्छा सा है देखने में लग रहा है वैसे। बाकी और ये अगर बात करें सेकंड मॉडल है जी, सेकंड मॉडल अपना वो रहेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा सेल होती है इस मॉडल की, स्क्वायर शेप में हेडलाइट, स्पोर्ट्स वर्जन आपका जी, ओकुयामा का स्टिकर आप देख सकते हैं। क्या क्या वैसे मेन फीचर्स ऐड किए गए हैं इसमें? इसमें मेन फीचर सर अपना सबसे अच्छा फीचर इसमें रहेगा क्रूज कंट्रोल। अच्छा, आप गाड़ी को एक मिनिमम स्पीड पे मैक्सिमम स्पीड पे जहाँ भी जाके आप स्पीड रोकना चाहोगे आप 3 सेकंड तक स्पीड को रोको और आप रेस एक्सीलेट से अपना हाथ उठा लो, अपना गाड़ी उसी स्पीड कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे जो स्कूटी चलेगी उसे कहते हैं आपकी क्रूज कंट्रोल होगी आपकी। तो कहाँ पे ऑप्शन है वैसे अगर बात करें, अगर वैसे कौन से बटन को प्रेस करने से होता है एक बार बताएंगे? बटन प्रेस हमें कोई भी नहीं करना, सिर्फ 3 सेकंड तक हमें रेस को एक जगह ही रोक के रखना है। अच्छा, उसके बाद अपना क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसमें और भी अगर फीचर्स की बात करें कुछ डिफरेंट है या कुछ सारे सेम ही है? इंडिकेशन का ऑप्शन है? इंडिकेशन का ऑप्शन है सर, ये अपना लो बीम हाई बीम रहेगा, ठीक है। अपना हैजर्ड रहेगा जिससे चारों इंडिकेटर अपने एक साथ ब्लिंक करेंगे, रिवर्स गियर रहेगा, ओके, और अपने दोनों तरफ हॉर्न रहेंगे, 3 स्पीड रहेंगी, फर्स्ट सेकंड सर 3 मोड रहेगा और अपना 1 टच रिपेयर रहेगा सर। अच्छा, अपना 1 टच रिपेयर ऐसा होता है कि कई बार मान लो इलेक्ट्रिक कोई फॉल्ट आ जाता है अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है, तो हम अपना 1 टच रिपेयर इस बटन को प्रेस करके अपने नियर बाई किसी भी सर्विस सेंटर तक जा सकते हैं, 10-15 किलोमीटर तक हम ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी को। अच्छा जी, मतलब कैसे ले आ सकते हैं, मतलब ड्राइव करके ले आ सकते हैं? ड्राइव करके अगर कोई दिक्कत आती है तो 10-15 ड्राइव कर, अगर कोई दिक्कत आई हुई है तब भी हम अपनी गाड़ी पे बैठ के ऊपर ड्राइव करके और इस बटन को दबा के हम अपने सर्विस सेंटर तक पहुंच सकते हैं। 1 टच रिपेयर, 1 टच रिपेयर बोलेंगे इसको। ओके, तो ये बैकअप का ऑप्शन भी कह सकते हैं फिर तो इसे? जी बिल्कुल। और फ्रंट से आप ग्रिलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर फ्रंट में अगर बात करें तो ब्रेकिंग सिस्टम की डिस्क ब्रेक, अपने सामने डिस्क ब्रेक रहेंगे, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक रहेंगे, 10 इंच का अपना टायर रहेगा जो कि एक अपनी गाड़ी को बहुत ही अच्छी लुक दे रहा है और इसका सस्पेंशन भी इसकी वजह से बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। अच्छा, कलर काफी थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, और कौन कौन से कलर ऑप्शन है? अपने पास प्योर ब्लैक और प्योर व्हाइट, प्योर ग्रे, 3 कलर अवेलेबल है। 3 कलर ऑप्शन है जी। चलिए, इस वाले का क्या प्राइस है?
इसका अपना रहेगा सर 76,500 76,500 ये लिथियम है लेड में? लिथियम बैटरी में रहेगा। अच्छा ये लिथियम में जी। अगर इसे लेड में आठ वोल्ट में रहेगा। अच्छा जी। बाकी इसके अलावा अपना नेक्स्ट मॉडल कौन सा है? नेक्स्ट मॉडल सर अपना रहेगा ओकोयामा ट्रस्ट 2X। ओकोयामा ये आप देख सकते हैं भाई काफी एक दमदार। मैं आपको एक बात क्लियर करा देना चाहता हूँ, हम सिर्फ गाड़ी को बेचना नहीं चाहते, हम कस्टमर को समझना चाहते हैं कि उसको चाहिए क्या है। कई बार कस्टमर को अपना गाड़ी का उसका डेली रनिंग होता है 50 किलोमीटर का, लेकिन इसको अपना गाड़ी खरीदना पड़ता है जिसकी माइलेज अपनी 90 to 100 किलोमीटर हो। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हमारे पास बैटरी के बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम लिथियम आयन बैटरी 50 किलोमीटर से लेके 150 से 170 तक अपनी माइलेज बैटरी के अंदर रख सकते हैं। ओके तो जैसी कस्टमर की नीड हो हम उसको वैसा ही बैटरी देना पसंद करेंगे। जैसे किसी की रिक्वायरमेंट ही अगर मान के चलिए अप डाउन का 50 किलोमीटर है जी, तो ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाने का फायदा भी नहीं है, फायदा नहीं, पैसे भी खर्चोगे, पैसे खर्च होंगे। तो उस हिसाब से फिर आपके पास बैटरी की वो है कैपेसिटी है उतनी। हम अपना बैटरी लिथियम आयन 50 किलोमीटर में जब जिसका माइलेज 50 किलोमीटर रहेगा कस्टमर को हैंड ओवर करा देंगे। अच्छा फिर उसके लिए उनको बड़ी बैटरी की पे नहीं कर, बड़ी बैटरी जितना पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। फिर तो अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस भी काफ़ी कम, प्राइस भी काफ़ी कम हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट और लास्ट मॉडल अपने पास एक दमदार आप देख सकते हैं, वैसे फ्रंट से लुक दिखा तो मैं आपको, ओकोयामा का कौन सा मॉडल है योगी जी? ओकोयामा का अपना है ट्रस्ट 2X। ट्रस्ट 2X जी। क्या इसकी खासियत है वैसे? इसकी खासियत अपनी है सर, ये अनब्रेकेबल बॉडी के अंदर है, ये बॉडी ब्रेक नहीं होगा। अच्छा कलर फेड नहीं होगा। ओके कभी भी। और सेकंड अपना इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा हम इसके अंदर अपना वॉलेट मोबाइल फ़ोन या कुछ छोटा सामान इसके अंदर आराम से रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। बूट स्पेस इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है, एक बार दिखाएंगे बूट स्पेस जरा। ये देखिए बूट स्पेस अपना ये इतना रहेगा, स्पेस काफी अच्छा खासा, स्पेस काफी अच्छा खासा है। बाकी MCV का ऑप्शन हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में है ये अपना, नहीं जी? इस ये अपना फायर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है जी। तो बाकी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ इसमें बैक सपोर्ट का भी ऑप्शन है, बैक सपोर्ट का इसमें ऑप्शन है। लेडीज वगैरह जिसकी कमर में पेन हो वो आराम से यहाँ पे अपना कमर लगा के लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। साथ में सीट रेल भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और अपना उस तरफ लेडीज फुटरेस्ट भी रहता है इस। अच्छा लेडीज के लिए स्पेशली, लेडीज के लिए फुटरेस्ट। ये देखो जी इससे पहले मॉडल में आपको ना ये चीज कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि ना लेडीज के लिए स्पेशली अलग से फुटरेस्ट का ऑप्शन दिखाया जाए, तो ये आज फर्स्ट टाइम ही दिखा रहे हैं इस टाइप का। ये कस्टमाइज करवाया हुआ, शायद आपने डिमांड आई होगी, डिमांड आई थी तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस स्कूटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और बाकी साइड स्टैंड मेन स्टैंड तो आपको ऑप्शन मिल ही आते हैं, और ये जो साइड मिरर का ये देख रहा हूँ मैं काफी, ये साइड मिरर बहुत ही अच्छे हैं सर, इसको हम किसी भी एंगल में घुमाएंगे ये अपने टूटेंगे नहीं। अच्छा जी किसी भी शेड में हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है इसके अंदर भी हम रिवर्स गियर रहेगा अपना, चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहेगा, लो बीम हाई बीम हॉर्न और वन टच रिपेयर इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन, इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है, ये पार्क मोड। अच्छा जब भी हम गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो अपनी गाड़ी का हमेशा पार्किंग मोड में ही रहेगी, उसको हम अनपार्क करेंगे यहाँ से देन ड्राइव कर पाएंगे। अगर पार्किंग मोड में तो एक्सेलेट करेंगे तो एक्सेलेट नहीं होगी, वो एक्सेलेट गाड़ी नहीं होगी। ओके तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कौन सा मॉडल बताया था? ट्रस्ट 2X। अच्छा इसमें कलर ऑप्शन कितने अपने पास? इसमें अपने पास तीन कलर हैं, प्योर ब्लैक, प्योर रेड और सिल्वर। ओके और प्राइस, इसका क्या प्राइस है? प्राइस सर इसका अपना रहेगा 86,000 विद लिथियम बैटरी, 3 ईयर वारंटी। अच्छा 3 साल की वारंटी, ये जितनी बैटरी हमने इस दिखाई है इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर में सभी मॉडलों पे है ये वारंटी? सभी मॉडलों पे यही वारंटी है। ओके तो लास्ट में आपको ना सारे अभी तीन मॉडल हमने दिखाए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के, 49,000 से स्टार्ट है और मैक्सिमम अगर रेंज की बात करें, रेंज अपना 1 लाख रुपए तक की गाड़ी अपने पास मिल जाएगी। मिल जाएगी। चलिए और सेकंड थिंग कि लोन फैसिलिटी भी आपने बताई है जी, और उसके बाद डीलरशिप के लिए को लेकर क्या रहता है सर? डीलरशिप के लिए हम आप जैसे भी अपना कोई डीलरशिप लेना चाहता है तो उसको हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है उसके बाद कंपनी से डायरेक्ट हम
जो डीलरशिप लेना चाहते हैं उनको कॉल करेंगे, तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा हम उनको बताएंगे। उसके लिए अगर मेन डीलरशिप अगर कोई लेना चाहता है तो 40 पीस लेना पड़ेगा, और अपना जो शोरूम का जहाँ भी हम सेटअप करने वाले हैं एक प्रॉपर अच्छा लोकेशन होना चाहिए, मेन रोड पे होना चाहिए, और उस शहर के अंदर या उस शहर के अंदर हमारा दूसरा डीलरशिप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। तो ये टर्म एंड कंडीशन है कुछ ओकोयामा का। अगर आपको ब्रांड आप यूज़ करना चाहते हैं, डीलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कुछ योगेश जी ने टर्म एंड कंडीशन बताई हैं, और उसके बाद सर कुछ अगर आप सब डीलर बनना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 10 गाड़ी रखनी पड़ेंगी, उसमें अपनी आपको कम से कम 5 लाख रुपए की कॉस्ट रहेगी, और हम चाहेंगे कि आप विदाउट बैटरी के, सिर्फ हम ये अपना ओकोयामा ब्रांड ही विदाउट बैटरी के भी आपको गाड़ी प्रोवाइड करा देता है। अच्छा। उसका एक रीजन है, उससे सब हर एक गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं रहता, जिससे आग लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अगर हर एक बैटरी के अंदर गाड़ी रहेगा तो आग लगने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके। और हम बैटरी की जगह अपना प्लस गाड़ी रख सकते हैं उसी कॉस्ट के अंदर, उतने ही पैसे लगा के हम अपना एक, जैसे बैटरी ना रख के हम अपना गाड़ी रख सकते हैं, रिक्वायरमेंट के होने पे अपना बैटरी हम तुरंत परचेज कर सकते हैं कंपनी से। तो योगेश जी ने हमें 10-15 मिनट का टाइम दिया, ओकोयामा के बारे में बताया, तो धन्यवाद योगेश जी आपका जी। तो गाइस यहाँ की जो भी वेबसाइट या डिटेल्स होगी ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाके आप जो अगर डीलरशिप इंटरेस्ट है तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे योगेश जी का, आप इनसे डायरेक्टली बात करके जो है यहाँ पे अगर परचेज करने का इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे आए, टेस्ट ड्राइव लें इलेक्ट्रिक स्कूटर को, एंजॉय भी करें, प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।